हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इस प्रकार का बोर्ड का वायरिंग करेंगे जो दो 5-पिन सॉकेट है और बीच में दो स्विच है। इसका कनेक्शन करना बहुत आसान है, तो इसका चलिए हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह पलट देंगे बैक की तरफ। अब बैक की तरफ देख सकते हैं दोनों ओर मैंने दोनों साइड में 5-पिन सॉकेट है और बीच में दो स्विच है। तो सबसे पहले हम फेज वाला को कनेक्शन करेंगे। तो फेज वाले के लिए यहाँ हम रेड तार को यूज करेंगे जो लाइन वाला का कनेक्शन होता है। तो इतना बड़ा आप माप लीजिएगा, दोनों स्विच की टर्मिनल के बराबर इतना तार को माप कर इसको इतना छील कर PVC उतार दीजिएगा और दोनों टर्मिनल में लगाकर इस तरह दोनों टर्मिनल में अंदर लगाकर इस नट दोनों को टाइट कर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं स्विच की दोनों टर्मिनल पर हम तार को अंदर से लगाकर नट को हम टाइट कर दिए। अब इसमें 5-पिन सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो सॉकेट में कनेक्शन करने से पहले आप समझ लीजिए, L लिखा हुआ है और यहाँ पे N लिखा हुआ है। ये लाइन का हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया। तो हम तो अभी लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं, यानी लाल तार वाला को कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस स्विच की टर्मिनल से इस स्विच की टर्मिनल पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह छोटा सा एक वायर माप लीजिएगा, माप कर इतना बड़ा, और इस आउटपुट टर्मिनल पर जो स्विच की आउटपुट टर्मिनल है वहाँ पे एक वायर को लगाकर टाइट कर देना है। इस तरह लगा दीजिएगा और इसको टाइट कर दीजिएगा, इस नट को टाइट कर दिए। और दूसरी यहाँ लाइन वाला जो टर्मिनल है 5-पिन सॉकेट की, उस पर लगाकर इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह इसका कनेक्शन हम कर दिए 5-पिन सॉकेट से, और फिर यहाँ पे एक स्विच बच गया और एक 5-पिन सॉकेट की टर्मिनल। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे L लिखा हुआ है और यहाँ पे N लिखा हुआ है। तो इस टर्मिनल से इस स्विच की टर्मिनल पर हम एक वायर लेंगे जो रेड कलर का ही वायर होगा, और दोनों को कोर को आप इस तरह छील दीजिएगा और छील कर इस टर्मिनल पर लगाइएगा और इस नट को टाइट कर देना है। इस नट को इस तरह टाइट कर दीजिएगा और फिर इस सॉकेट की एक टर्मिनल पर जो L लिखा हुआ है उस पे लगाकर इसको टाइट कर देना है। इस तरह इसको टाइट कर दीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह कनेक्शन इसका कर दिए। अब इसमें बाकी रह गया न्यूट्रल का कनेक्शन देना, यानी काला वाला तार को कनेक्शन देना। तो काला वाला तार के कनेक्शन के लिए देख सकते हैं कुछ इस तरह का वायर लिए है, जो ये न्यूट्रल 5-पिन सॉकेट की एक न्यूट्रल और दूसरी 5-पिन सॉकेट की एक न्यूट्रल, दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। उसके लिए इस न्यूट्रल में, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ एक टर्मिनल पर जो न्यूट्रल की टर्मिनल था ब्लैक वायर से हम इस पर एक नट लगाकर टाइट कर दिए, और दूसरी टर्मिनल पर उसी तरह एक वायर बाहर निकालने के लिए, जैसे ये हम बाहर निकालेंगे फेज को, तो फेज को बाहर निकालने के लिए फिर न्यूट्रल को तो बाहर निकालना होगा। ये दोनों तार को आपस में ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन करके और एक न्यूट्रल की जो यहाँ बचा हुआ है 5-पिन सॉकेट की टर्मिनल है जो, उसमें लगाकर इसको टाइट कर दीजिएगा। तो ये बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसमें लगाकर हम टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह हम इसका कनेक्शन कर दिए, जो कनेक्शन करना बहुत आसान है। तो दोस्तों इस तरह दो स्विच और दो 5-पिन सॉकेट की कनेक्शन आप बहुत आसानी से अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो चेक करके इसमें चलिए हम लाइन देते हैं, उसके बाद आपको फिर से हम दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें हम सप्लाई का लाइन दे दिए। ये दोनों स्विच को हम पहले ऑफ कर देते हैं और इस तरह का हम बल्ब और होल्डर ले लिए और इस सॉकेट में हम लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे। तो देख सकते हैं ये स्विच मेरा काम कर रहा है, ये सॉकेट भी काम कर रहा है। अब चलिए दूसरी वाला में हम लगाते हैं और उसको भी चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये भी सही से काम कर रहा है। इस तरह दोस्तों बहुत आसानी से दो सॉकेट और दो स्विच का कनेक्शन आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।